जय सियाराम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। आज हम बाल विकास देखने जा रहे हैं। यदि हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसकी बात करें या फिर हम इसको बाल मनोविज्ञान कहें, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनेंगे, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है। जैसे कि यदि हम बाल मनोविज्ञान की बात करें, बाल मनोविज्ञान की बात करें, तो बाल मतलब क्या होता है, यानी कि बालक, मनोविज्ञान मतलब क्या है, अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने जाते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों के व्यवहार का विज्ञान, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। क्या मैंने कहा, बच्चों के व्यवहार का विज्ञान ही बाल मनोविज्ञान है, जिसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना रहता है, जिसके अंतर्गत हमको बाल विकास एवं वृद्धि पढ़नी रहती है, यानी कि बच्चों का विकास कैसे होता है, बच्चों में वृद्धि कैसे होती है, क्या या फिर क्या ये दोनों शब्द एक हैं या फिर अलग हैं, ये सभी टॉपिक्स हमको डील करने रहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत। तो आज की क्लास में हम वही देखेंगे। तो जो कोई भी चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करें। वैसे तो सामान्यतया हम क्या करते हैं कि वृद्धि और विकास को एक ही मानते हैं और एक ही अभिप्राय में इसको ले लेते हैं, जबकि ये दोनों शब्द अलग अर्थ को धारण किए हुए हैं एवं इनका महत्व भी अलग अलग होता है। क्या होता है कि जो वृद्धि है, जिसको हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा ग्रोथ है, जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या बताता है, तो ग्रोथ का शब्द का प्रयोग हम शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए करते हैं। ग्रोथ शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हम अपने शरीर के अंगों के आकार में यदि वृद्धि हुई है तो उसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है अभिवृद्धि, वृद्धि या ग्रोथ। लेकिन यदि हम विकास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इस शरीर के बाह्य ढांचे की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानसिक वृद्धि की बात कर रहे हैं। विकास मतलब मानसिक वृद्धि, ठीक। हम यहाँ पे संवेगात्मक परिपक्वता की बात करते हैं, हम बौद्धिक परिपक्वता की बात करते हैं, शारीरिक शारीरिक रूप से बढ़ रहे हैं तो ये आपका वृद्धि के अंतर्गत होगा, ना कि ये आपका विकास के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो शारीरिक वृद्धि भी लिखी है, शारीरिक वृद्धि भी लिखी है, तो इसका अर्थ क्या है, आगे बताऊंगी कि इसका अर्थ क्या होता है। देखो, यदि हम विकास की बात करते हैं तो विकास के अंतर्गत क्या होता है कि हम कितने होशियार हैं, हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, हमारा आईक्यू, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हमारा आईक्यू क्या है, तो क्या ये केवल हमारी क्वालिटी को केवल बताए, ये तो हमारी क्वालिटी है ना, है ना, क्वालिटी मतलब ये हमारी विशेषताएं हैं। क्या विकास केवल हमारी विशेषताओं पर बल देता है, जी नहीं, आपकी विशेषता केवल नहीं देखता, ये आपकी क्वांटिटी भी देखता है। क्वांटिटी मतलब आप हैं 5 वर्ष के, क्या 5 वर्ष की बुद्धि है आप में, क्या मानसिक क्षमता है आप में, तो ये विकास का कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया, आगे और अच्छे से इसको अलग अलग करके समझेंगे। लेकिन एक यहाँ पे क्या है, विकास की प्रक्रिया
गर्भाधान के क्षण से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हम अपनी माँ के गर्भ में आए तब से हमारा विकास हो रहा है। आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही व्यूह रचना को व्यूह भेदना सीख लिया था, लेकिन उनकी माता जी सो गई जिसकी वजह से अभिमन्यु व्यूह से बाहर निकलना नहीं जाना। इसका मतलब कि वो जब उसकी माता जी सुन रही थी, इसका मतलब बच्चा भी सुन रहा था। जब माता जी सो गई तो बच्चा भी सो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे विकास की प्रक्रिया गर्भ के समय ही प्रारंभ हो गई थी, जब हम गर्भ में थे अपनी माता के। गर्भाधान के क्षण से ही शुरू हो जाती है। एक गर्भित कोशिका जो डिंब एवं शुक्राणु में सम्मिलन से निर्मित होती है, उसमें समस्त आनुवांशिक सूचनाएं कूट संकेतित रहती हैं, जिससे कुछ समय अंतराल के पश्चात एक पूर्ण मानव जीव का निर्माण होता है। यानी कि हम में क्या हो रहा है, आनुवांशिक सूचनाएं कूट संकेतित रहती हैं। यानी कि हम अपने जब माता के गर्भ में रहते हैं तब से, सिंपल भाषा में समझो, विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जब हम अपनी माता के गर्भ में रहते हैं तब से हमारा मानसिक विकास, हमारा बौद्धिक विकास एवं हमारा शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है। बातें क्लियर हैं क्या आप लोगों को? अब आगे बढ़ेंगे हम वृद्धि। तो फिर वृद्धि क्या होती है? अभी तो केवल इंट्रोडक्शन हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। बताओ वृद्धि का क्या अर्थ होता है? बढ़ना या फैलना। अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाता है। हमारा आंतरिक और बाह्य अंग यदि बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? हम कहेंगे वृद्धि। वृद्धि या फिर अभिवृद्धि, दोनों हिंदी शब्द हैं जिसको प्रयोग में लाया जाता है ग्रोथ शब्द के लिए। ठीक, तो वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक, जो सभी जीवों में पाई जाती है और स्वतः होती है। अपने आप अपना हाथ एक दिन सोते हैं, नेक्स्ट डे उठ के खींचते हैं क्या कि नहीं, नहीं लंबा क्यों नहीं हो रहा है? आप अपना पैर खींचते हैं क्या? आप अपनी गर्दन को खींचते हैं क्या कि नहीं, नहीं लंबी हो जानी चाहिए? ऐसा किए हैं क्या आप? नहीं किए हैं। क्या कोई जानवर ऐसा कर रहा है क्या? नहीं कर रहे। यानी कि ये जैविक प्रक्रिया है, सभी जीवों में ये पाई ही जाती है। ठीक, बिल्कुल बात समझ में आई आप लोगों को? क्या वृद्धि, ठीक। फिर किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। विकास पहले हो जाता है, क्यों? क्योंकि विकास गर्भ के समय से ही क्या होता है, जैसे ही हम माता के गर्भ में आए तो हमारा विकास प्रारंभ हो गया। किंतु वृद्धि जो हमारी होती है तो गर्भाधान से लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। यानी कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में आए उसके 2 सप्ताह बाद हमारी वृद्धि प्रारंभ हुई। पहले एक छोटा सा, जैसे कि यदि हम, आप लोगों ने स्टेज्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ा होगा शैशवावस्था, यदि नहीं पढ़े हो आप लोग तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक, उसमें अपन पढ़ेंगे कि कैसे बच्चे का विकास होता है। ठीक है, बच्चों का विकास आखिरकार होता क्या है? तो वृद्धि जो होती है क्या है, देखो, डेवलपमेंट जो होता है वो वृद्धि से पूर्व होता है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। और वृद्धि गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है एवं 20 वर्ष की आयु तक ये चलती रहती है। किंतु जो हमारा विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। बोलते हैं ना, मैंने धूप में ये बाल सफेद नहीं किए हैं, यानी कि अनुभव है। बूढ़ बोल, और हमारे यदि आप देखोगे
तो जो भी सलाहकर्ता होते हैं बड़े बड़े कंपनियों के, या फिर हम गवर्नमेंट में देखें, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो भी सलाहकर्ता होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो वरिष्ठ होते हैं। क्यों वरिष्ठ? यानी कि यहाँ पे हमें समझ में आया, मानसिक परिपक्वता उनकी देखी जा रही है, बौद्धिक परिपक्वता देखी जा रही है, यानी कि विकास का, ये विकास के आयाम है, विकास के, हम विकास को मानसिक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता के रूप में परिभाषित किए हैं, यानी कि ये जीवन पर्यंत चली है, गर्भ से लेकर के हमारी मृत्यु तक ये क्या चलती रहती है, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि जैसे कि आप 25 वर्ष के हो गए, आप 30 वर्ष के हो गए, तो बोलते हैं कि नहीं, अब नहीं बढ़ोगे, हो गया जितना बढ़ना था बढ़ चुके। यानी अब नहीं बढ़ोगे मतलब क्या? शारीरिक रूप से अब नहीं बढ़ोगे, हो गया जितना लंबा होना था हो चुके हो आप, ठीक है। मोटापा की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, लंबाई की बात हो रही है, ठीक है। मोटे तो आप कितने भी हो जाओ या फिर पतले आप कितने भी हो जाओ, वो बात अलग होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे यदि हम देखें कि 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है क्या, तो वृद्धि, तो वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक व रचनात्मक ही होते हैं, जो केवल परिपक्वावस्था तक ही सीमित होते हैं, यानी कि आप मैच्योरिटी तक ही वो सीमित हैं। सोरेनसन ने कहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, और इस वृद्धि को नापाया तोला जाता है। हम मेजर करते हैं, हम छोटे थे तो हम दीवार के से सट के खड़े होते थे और देखते थे, अभी ना हमारी जैसे कि दीवार है तो देखते थे अभी हमारी हाइट इतनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर आते थे, अरे भैया नेक्स्ट डे तुरंत थोड़ा बढ़ेगी, अब कुछ दिन बाद देखते थे, अरे मैं इतना था अब इतना हो गया हूँ, ठीक है। हम अपने माता पिता के बगल में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं ना आपके ना कंधे तक आने लगा हूँ, बच्चे बोलते हैं ना, ये क्या हो रहा है, इसको हम नाप रहे हैं, हम इसको क्या कर पा रहे हैं, नाप पा रहे हैं, अब हम अपना वजन तौल लें, ठीक है। तो नहीं, मैं तो 25 था अभी मैं 30 हो गया हूँ, ठीक है, 30 किलो का हो गया हूँ, ये क्या है, ये हम नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, किसको, हम अपनी वृद्धि को नाप तौल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम, विकास क्या होता है, तो फिर विकास एक जटिल प्रक्रिया है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। क्यों कॉम्प्लेक्स है? जो कि सामान्य रूप से विकास, बुद्धि, परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं को प्रायः मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती रहती, अविराम मतलब बिना रुके, कंटिन्यूअस प्रोसेस, इन कंटिन्यूटी ये चलता है हमारा विकास। विकास से तात्पर्य परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है, यानी कि मैच्योर है, बड़ों मतलब बड़े बूढ़ों का अनुभव लो, उनसे सीख लो, क्यों, क्योंकि उनमें क्या है, परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, ठीक। अतः विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जन्म से मृत्यु तक चलती है। यानी कि विकास को बोलोगे तो विकास किसका सम्मिलित रूप है? वृद्धि, परिपक्वता। वृद्धि मतलब शरीर भी बढ़ा है आपका, विकास के अंतर्गत आपके शरीर की संरचना भी देखी गई है। बूढ़े हैं तो ये नहीं कि केवल दिमाग में बूढ़े हुए हैं, शरीर में बूढ़े हैं तभी मैच्योर हैं वो, तो यानी कि इसमें, इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा था ना ये वाला देखो, यहाँ पे ठीक जहां पे हमने इसको देखा था, देखो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखो, विकास में मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता और बौद्धिक परिपक्वता देखी गई, यानी कि आपकी शरीर भी देखेंगे और आपका
बुद्धि की परिपक्वता भी देखेंगे। तो विकास किसके बराबर होता है? वृद्धि, वृद्धि प्लस परिपक्वता प्लस क्षमता और वातावरण के साथ अंतःक्रिया जो हम करते हैं, ये सब विकास का सम्मिलित रूप है। ठीक, विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, वरन इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो होंगे उसी को विकास कहेंगे। केवल शारीरिक हुआ तो वृद्धि, लेकिन शारीरिक और मानसिक हुआ तो विकास, ऐसे समझो। विकास बड़ा, वृद्धि छोटी, विकास बड़ा, वृद्धि छोटी, डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन ग्रोथ, याद रहेगा। विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट है। एग्जाम में पूछा गया है विकास विशिष्ट से सामान्य है या सामान्य से विशिष्ट है, तो विकास सामान्य से विशिष्टता की ओर जाता है। यह सीधे लीनियर ना होकर वर्तुलाकार है, यानी कि ये सीधा ऐसे ऐसे नहीं पड़ता है, वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल है। ठीक है, वर्तुलाकार एग्जाम में आया था, सीजी टेट का ये क्वेश्चन है, पिछले साल जो सीजी टेट हुआ था तो उसमें वर्तुलाकार पूछा गया था कि विकास क्या है, वर्तुलाकार है। ठीक, करेक्ट आंसर वर्तुलाकार था, समझ में आया। ये आपका हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा। अब आओ, बाल विकास के अध्ययन ने समाज के समक्ष दो पहलू प्रस्तुत किए हैं। पहला क्या है? व्यवहारिक, दूसरा है सैद्धांतिक, यानी कि बिहेवियरल और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। समाज के प्रत्येक अभिभावक के लिए सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों का ज्ञान आवश्यक है, इसीलिए अलग अलग लोगों ने परिभाषित कर दिया। कैसे? मुनरो ने अपनी परिभाषा में कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। भ्रूण यानी कि जब हम अपनी माता जी के गर्भ में थे, भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। जेम्स ड्रेवर ने वही कहा है कि विकास प्राणी में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन है, ठीक है, जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है, लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। रेबर ने कहा कि किसी प्राणी के संपूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। परिवर्तनों का जो क्रम है वही विकास है। तो यहाँ पहले हमने तीन देखा, मुनरो ने क्या कहा, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था, मुनरो ने क्या कहा, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित। रेबर ने क्या कहा, परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। ठीक है, परिवर्तनों का जो क्रम है वही विकास है। आइए देखें हरलॉक का क्या कहना है। तो विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा इसके प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित है। प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती। अतः विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये बात किसने कही है? ये बात हरलॉक ने कही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत की बात हरलॉक ने कही, और एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ा, ये हरलॉक का कॉन्सेप्ट है। वहीं हमने जस्ट अभी देखा था मुनरो ने भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था कहा है, ड्रेवर ने किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित की बात कही है, रेबर ने परिवर्तनों के क्रम के विकास को वो क्या इंगित किया है, एवं
हरलॉक ने क्या कहा, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर, याद रखना है अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके अंतर में कि आखिरकार वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। तो एक एक करके इसके अंतर को देखिए। जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था, यानी कि गर्भ में जब हम थे तो गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से लगभग 20 वर्ष तक हमारी वृद्धि हुई। वहीं ये क्या है, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलेगी। दूसरी बात इसमें जो आती है वो ये है कि वृद्धि की प्रकृति कैसी है, कोशिकीय व संरचनात्मक है, सेल्यूलर और स्ट्रक्चरल है, लेकिन विकास की प्रकृति सांगठनिक व क्रियात्मक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल है। वहीं ग्रोथ कैसा है, सेल्यूलर एंड स्ट्रक्चरल है। प्राणी में क्या होता है, प्राणी में वृद्धि बाद में होती है और विकास पहले शुरू हो जाता है, हमने पहले ही देखा है इस पॉइंट को। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं और परिमाणात्मक होते हैं, याद रखना, यानी कि क्वांटिटेटिव होते हैं। वहीं विकास में होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक व गुणात्मक होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव भी होते हैं, यानी कि केवल शरीर नहीं बढ़ा मानसिक स्तर भी बढ़ा, किसके अंतर्गत, डेवलपमेंट के अंतर्गत, लेकिन ग्रोथ के अंतर्गत केवल शरीर बढ़ा, यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट उसमें आता है, ठीक। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन विकास की क्रिया में रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते, कंस्ट्रक्टिव प्लस डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लस डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, याद रखेंगे, पूछूंगी मैं आप लोगों से, ठीक। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, लेकिन विकास का क्रम प्राणी को परिपक्वावस्था की ओर ले जाता है। शरीर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कभी बच्चे थे, फिर उसके बाद थोड़े से युवा हुए, फिर युवा होने के बाद अब क्या हो गए, प्रौढ़ावस्था में आ गए, फिर बूढ़े हो जा रहे हैं, यानी कि वृद्ध होते जा रहे हैं, तो वृद्धावस्था की ओर ले गया, लेकिन ये परिपक्वावस्था, मैच्योरिटी आ गई। क्या आ गई, मैच्योरिटी आ गई, जैसे जैसे उम्र बढ़ी मैच्योर हो गए, ठीक। फिर देखो, वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, वही विकास एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि केवल शारीरिक परिवर्तन ही इसमें शामिल है, यानी कि केवल शरीर का परिवर्तन, तो ये क्या है, साधारण सी प्रक्रिया हो गई। जटिल क्यों, क्योंकि वृद्धि व परिपक्वता दोनों सम्मिलित है, शरीर भी बढ़ेगा दिमाग भी बढ़ेगा, तो जटिल है, जटिल प्रक्रिया स्पाइरल है साथ में, ये भी याद रखना, ठीक। और ये क्या है, लीनियर है, ठीक। फिर वृद्धि का ना तो कोई निश्चित क्रम होता है, ना इसकी निश्चित दिशा होती है, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, ठीक। विकास एक निश्चित क्रम रहता है तथा विकास की दिशा भी निश्चित होती है, विकास एक निश्चित दिशा में चलता है। फिर क्या है, वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, लेकिन विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक है ये, और ये क्या है, संकीर्ण है, नैरो है, ये वाइडर है, ठीक। परिपक्वता अभिवृद्धि की चरम सीमा है, परिपक्वता अभिवृद्धि की चरम सीमा है, और इसमें अभिवृद्धि निहित है, इसमें शरीर तो बढ़ रहा है, जब मानसिक रूप से बढ़ रहे हो तो शरीर के साथ ही तो बढ़ रहे हो, कि शरीर को अलग रख दिए हो, नहीं रखे हो ना, तो ये व्यापक है।
फिर वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, अर्थात वृद्धि में हुए परिवर्तनों को सीधे मापा जा सकता है, किंतु विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ सामाजिक, मानसिक व संवेगात्मक होते हैं, अर्थात इसका सीधा मापन संभव नहीं है। आप नाप लो, आप अपने दिमाग को, आप अपने समाज में जो आप कर रहे हो उसको नाप लो, आप संवेग, आप कितने संवेगी हो आप उसको नाप लो। ठीक है, आप बोलते हो अरे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो कितने इमोशनल हुए, थोड़ा सा, ज्यादा, कितना, तो उसको नाप पा रहे हो नहीं, तो यही इसीलिए बोला गया कि इसको नापा नहीं जा सकता। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है, अंदर भी बाहर भी। ठीक है, अब वृद्धि प्रायः जीव पर निर्भर करती है और विकास जीव व वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। आप यदि ऐसे एनवायरमेंट से आ रहे हो जहां बोलते हैं ना पढ़े लिखे लोगों के बच्चे हैं यार, ये कहाँ, मतलब इनके माता पिता उतने ज्यादा वो नहीं है, इनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं, इसीलिए ये दिखता है इनके, बोलते हैं ना दिखता है इनके व्यवहार, मतलब ये क्या बोल रहे हो आप, उनके एनवायरमेंट को बोल रहे हो, दिखता है, दिख रहा है मतलब क्या, वो कैसे वातावरण से आए हैं। इसीलिए वृद्धि जीव पर निर्भर की लेकिन विकास जीव व वातावरण दोनों पर निर्भर किया है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ये जो मेरी कोशिश रही है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट सेशन में हम इसके विभिन्न आयाम को देखेंगे, प्रिंसिपल्स को देखेंगे, सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यदि आपको कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवानी है तो अभी महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में चल रहे सभी कोर्स में लगभग 50% तक की छूट है। तो अभी इंस्टॉल कीजिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप और अपने कोर्स को एनरोल करिए, अदरवाइज वो रेट बढ़ जाएगा। ठीक, और अपने सभी साथियों के साथ, अपने जो भी आपके पहचान में है उनके साथ वीडियो को शेयर करिए, जिसे उन तक भी ये सूचना पहुंच सके कि 50% का डिस्काउंट है, जिसके अंतर्गत आपको सभी कोर्स 50% के डिस्काउंट ऑफर में मिल जाएंगे। और कहीं पे भी कोई भी डाउट आए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। ठीक, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सियाराम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।